नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय जो है वो 15वां जो अध्याय हमारा है उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आचार्यों हितोपदेश। उसमें आचार्यों ने जो है वो अपने मतलब सेवकों के लिए, अपने मतलब विद्यार्थी के लिए हित के उपदेश जो है उसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए, पंचदश पाठ यानी कि 15वां जो पाठ है उसमें हमारे बताया गया है। ठीक है, विश्ववाङ्मय वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, यानी कि विश्ववाङ्मय जो है वो उसमें वैदिक साहित्य का जो है वो महत्वपूर्ण जो है स्थान है। ठीक है, वैदिक साहित्य चत्वारि वेदा, वैदिक साहित्य में कितने हैं, चार वेद हैं, तेषां व्याख्या रूपा ब्राह्मण ग्रंथा, और उसमें व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं, और उपनिषद भी हैं। और क्या है, उपनिषद भी हैं। तत्र अष्टोत्तर 100 शतानाम, 100 यानी कि उसमें 108 जो है वो क्या है, वो उपनिषद की परिगणना भी, यानी कि उनकी गणना भी की गई है। ठीक है ना, परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदा पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति, परंतु प्रमुख जो है वो 10 जो उपनिषद हैं वो पठन पाठन में सभी जगह विद्यमान होते हैं। हमारे इस पाठ में क्या कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य जो है, विश्व में जो वैदिक साहित्य का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें हमारे चार वेद और व्याख्या जो है वो ब्राह्मण रूप ग्रंथ जो है उनकी व्याख्या की गई है, अरण्य के ग्रंथ की गई है, उपनिषद जो है रुके गए हैं, और इसमें जो है 108 जो है वो उस उपनिषदों की गणना की गई है। ठीक है ना, येन केन कंठ प्रश्न मुंड माणुक्य तरही ऐरित्य छंदोग्य, यानी कि ईश केन मन कंठ प्रश्न मुंड माणुक्य तेतरी एतरह छंदोग्य बृहदारण्यक 10। ये सभी क्या है, जो उपनिषद जो है वो पठन पाठन के लिए, इन उपदेशों का हमारे सभी जगह पठन पठन पाठन के लिए इन उपदेशों को जो है उपनिषद जो है उनको प्रमुख माना गया है। ठीक है, इसमें प्रस्तुत पाठ तैतरीय शिक्षा बलितः उद्दित अस्ति, और प्रस्तुत जो पाठ है वो तैतरीय उपनिषद और शिक्षा बलित से क्या है, उदित है। विद्या समापत्यंतरम छात्रस्य समावर्तनः संस्कारस्य अवसरे आचार्यः शिष्यः उपदेशति, और विद्या समाप्ति के बाद जो है वो छात्रों के समापन संस्कार के अवसर पर आचार्य जो है, गुरु जो है, वो शिष्यों को उपदेश देते हैं। तस्यैव वर्णनम् शिक्षा बल्ली अस्ति, और इसमें शिक्षा बल्ली का जो है मतलब इसमें जो है हमारे पाठ जो है इसमें शिक्षा बल्ली का जो है वो वर्णन किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति, और इस पाठ का जो है वो यही सारांश है और यही उल्लेख है। हमारा जो पंचदश पाठ है बच्चों, उसमें हमें मतलब आचार्य जो हैं उन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद में हमारे को उपदेश दिए हैं, और उसमें क्या क्या बताया गया है ये हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए, वेदु मनु चा चार वेद मनु चार आचार्यो अन्ते वासिनः
मनु शास्ति सत्यवदः, यानी आचार्य जो है वो क्या कह रहे हैं, वेदों के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। सत्य सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदः सत्य बोलना चाहिए, धर्म चरह और धर्मों का पालन करना चाहिए, स्वाध्याय प्रमद स्वाध्याय को धारण करना चाहिए, सत्यार्थ प्रमजतम और सत्यार्थ का जो है वो मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, और सत्य को हमेशा आगे की ओर सत्य को धारण करना चाहिए, धर्मार्थ प्रमदम और धर्म को मतलब आगे की ओर ले जाना चाहिए और उसका मतलब उसमें मतलब लीन होना चाहिए और हमारे धर्म को हमें बढ़ाना चाहिए, कुशलार्थ प्रमदम और कुशलता को ग्रहण करना चाहिए, कुशलता को धारण करना चाहिए, भूमि न प्रमेदितव्यम और भूमि को जो है वो हमेशा हमारी जो मातृभूमि है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको हमेशा अपने आप धारण करना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमेद और स्वाध्याय से जो है वो प्रवचन जो है उनको नहीं धारण करना चाहिए, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमेद और देव पितरों का कार्य भी हमेशा जो है वो मतलब धारण करना चाहिए, मात्र देवो भव और माता भी भव और देवता भी भव, माता जो है वो देवी के समान है और पितृ देव और पितृ देवो भव, इनकी पितरों को भी हमेशा में सम्मान करना चाहिए और माता का भी हमेशा में सम्मान करना चाहिए, आचार्य देवो भव और आचार्य को भी क्या करना चाहिए, देवता के समान समझना चाहिए, यानी कि हमें माता को देवता के समान समझना चाहिए, पितर को भी पिता को भी देवता के समान समझना चाहिए और आचार्य आचार्य को भी देवता के समान समझना चाहिए, अतिथि देवो भव और अतिथियों को भी देवताओं के समान समझना चाहिए, यानी अनबद्धानि कर्माणि तानि सेवतव्यानि नो इतराणि, और इसी प्रकार से हमें जो है वो अपने कार्य को और अपने कर्मों को सेवित यानी सज्जन रूप से जो है वो आगे बढ़ते हुए करना चाहिए, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, और इसी प्रकार से जो है अपना जो चरित्र है उसको अपने जीवन में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और त्वयोपास्य और दूसरों की जो है वो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम, श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम, और श्रद्धा को भी देना चाहिए और अश्रद्धा को भी मतलब देना चाहिए, श्रद्धा देयम हिया देयम भिया देयम, और श्रद्धा जो है उसको भी देना चाहिए, हृदय से देना चाहिए और भी भिक्षा भी की तरह देना चाहिए, समिदा जो श्रद्धा से जो मतलब जो ही भाव से जो मांगता है उसको मतलब अपने हृदय से जो है उसको श्रद्धा को जो है वो अपने हृदय से देना चाहिए, समिदा देयम ईशा आदेश, और सभी को देना चाहिए, संयम से देना चाहिए, उपदेश और ऐसा मेरा आदेश है ऐसा मेरा उपदेश है, ऐसा वेदो पनिषदम एतदनुशासनम एवमुपासितव्यम, यानी कि ऐसा मेरा वेदों में उपनिषदों में और ये ऐसा अनुशासन में और ये तुम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है, यानी कि आचार्य जो उपदेश दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि अपने माता पिता गुरुजनों को और अतिथि गणों को इन सभी को जो है वो हमें परमात्मा के समान समझना चाहिए और हमेशा सत्य को धारण करना चाहिए, हमेशा कुशलता को धारण करना चाहिए, हमेशा अपने आप में मतलब सज्जनता को धारण करना चाहिए, और जो सज्जन जो पुरुष हैं उनका हमेशा सज्जन सम्मान करना चाहिए, और जो मतलब श्रद्धा के लायक हैं उन्हें हमेशा श्रद्धा जो है वो अपने हृदय से देनी चाहिए और अश्रद्धा वाले जो हैं उनको हमेशा मतलब
श्रद्धा नहीं देनी चाहिए, ऐसा हमारे जो आचार्य जो हैं उन्होंने अपने उपदेशों में इस चीज को बताया गया है। इस पाठ में हमारे मतलब जो छात्र जो हैं वो शिक्षकों से शिक्षा समाप्ति के बाद में मतलब उपदेशों को धारण कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए शिक्षा लेने के बाद, वो सभी जो आचार्य हैं वो इस पाठ में हमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।